इस गर्मी की मौसम में ये शरबत तो पीना बनता ही है। बहुत ही टेस्टी एंड लाजवाब शरबत बनकर तैयार होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। और पुरानी दिल्ली में इस शरबत को कहते हैं प्यार मोहब्बत का शरबत। बहुत ही टेस्टी लगता है, दिखने में जितना ही प्यारा लगता है और पीने में उतना ही टेस्टी है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। और इफ्तारी पे आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, देखना बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस शरबत को कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तरबूज ले ली है, देख सकते हैं। इसके बाद तरबूज की बीज को अलग कर लेंगे ताकि जब शरबत पियेंगे तो तरबूज के बीज मुंह में ना आए। तो देख सकते हैं इस तरह करके सभी बीज को अलग कर लेंगे और उसके बाद तरबूज को कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले कट करेंगे और उसके बाद तरबूज की छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कट के ली है। उसके बाद इसके पीसेस करेंगे तो इस तरह से आसानी से कट जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है ताकि आप लोग आसानी से कट कर सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी तरबूज को यानी कि वाटरमेलन को अच्छी तरह से कट कर ली है। तो चलिए अभी फटाफट से शरबत बनाने चलते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध ले ली है। तो अभी सभी दूध को डाल देंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये शरबत बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी दूध को डाल दी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी दूध को डाल दी है और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। इस शरबत का नाम ही है रूह अफ़ज़ा शरबत। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा ले ली है, तो डाल देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से चम्मच की मदद से चलाएँगे यानी कि मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को मिक्स कर लेना है। तो रूह अफ़ज़ा जितना डालेंगे ना, उतना ही दूध का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा और एक प्यारा कलर आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से रूह अफ़ज़ा को डालते जाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और एक प्यारा सा पिंक कलर नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं मैंने डाल दी है और फिर से डाल देंगे। तो थोड़ा कम कलर लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने फिर से ले ली है और फिर से डाल देंगे। तो इस तरह से डाल देंगे। तो इसमें चीनी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रूह अफ़ज़ा ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप लोगों को चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर से और थोड़ा डाल दी है, देख सकते हैं। तो डालने के बाद फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच चीनी डाल दी है क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर ली है। और इसके बाद इसमें आइस क्यूब डालेंगे ना तो चीनी एकदम कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने डाल दी है। अगर आप लोगों को मीठा कम पसंद है तो आप लोग चीनी मत डालिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब। तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब निकाल के रखा था, तो वो डाल देंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो मैंने चीनी इसलिए डाला है ताकि आइस क्यूब पिघलने के बाद जो मीठा है वो कम हो जाएगा। तो चीनी डालने से इसका जो मीठा है वो परफेक्ट रहेगा, इसीलिए मैंने डाल दी है। उसके बाद जो वाटरमेलन यानी कि तरबूज काट के रखा था ना, वो डाल देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने डाल दी है और अच्छे से फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो रूह अफ़ज़ा का शरबत है वो बनकर तैयार है, यानी कि मोहब्बत का शरबत। तो मोहब्बत का शरबत इसको इसीलिए ही कहते हैं। एक बार इस शरबत को पी लोगे ना तो इस शरबत से आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगा, इसीलिए इसको मोहब्बत का शरबत कहा जाता है। तो देख सकते हैं हमने मोहब्बत की शरबत बना ली है। तो चलिए इनको ग्लास पे निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लास ले ली है, अभी ग्लास पे निकाल लेंगे शरबत को।
तो आप लोग भी इस तरह से इस शरबत को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब शरबत बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इस शरबत को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। रमजान भी है तो इस मोहब्बत की शरबत को बनाना तो बनता ही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी शरबत को ग्लास में निकाल ली है। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।